इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ। आंखें झांकती हैं झुर्रियों की दरमियां से, बड़ी हसरत से तकती है। ये आंखें झांकती हैं झुर्रियों की दरमियां से, बड़ी हसरत से तकती हैं और बहुत मुश्किल से रिश्तों का पैमाना है। अब सारे बड़े बूढ़ों को अपनी जिंदगी पतझर सी लगती है, अब सारे बड़े बूढ़ों को अपनी जिंदगी पतझर सी लगती है, जहां सूखते हुए रिश्तों की अब कोई फिक्र नहीं करता, जहां बोझ लगता है लोगों को, जहां बोझ लगता है लोगों को उनसे कुछ देर गुफ्तगु करना, जहां उनके जज्बातों को यूं ही खामोश कर दिया जाता है। लेकिन मैं तो सोशल, वो नानी जो छुपाकर नाना से कुछ पैसे दिया करती थी, वो नानी जो छुपाकर नाना से कुछ पैसे दिया करती थी, उसके जनाजे में जाने का वक्त नहीं था मेरे पास। वो नाना जो कभी कपड़े कभी खिलौने लाकर दिया करते थे, वो नाना जो कभी कपड़े कभी खिलौने लाकर दिया करते थे, उनके कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने का वक्त, और उनके कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना वक्त की बर्बादी से। वो दादा जिन्होंने उर्दू के कई अल्फाजों के तलफ्फुज़ सुधारे थे, वो दादा जिन्होंने उर्दू के कई अल्फाजों के तलफ्फुज़ सुधारे थे, अब उनकी लड़खड़ाती हुई जबान से निकली हुई बातों को हम नजरअंदाज करते थे। जिन्होंने उंगलियां पकड़कर गांव की गलियां घुमाई थी, जिन्होंने उंगलियां पकड़कर गांव की गलियां घुमाई थी, अब उनका हाथ पकड़कर उन्हें मस्जिद तक ले जाना दुश्वार। लेकिन मैं तो सोशल, वो माँ जो हर फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़कर गोसा दिया करती थी, वो माँ जो हर फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़कर गोसा दिया करती थी, अब इशा के बाद भी उससे राब्ता करने का हम पहल नहीं। वो माँ जिसने गुफ्तगू की सलाहियत से हमें जरखेज किया था, वो माँ जिसने गुफ्तगू की सलाहियत से हमें जरखेज किया था, उससे बात करना बस एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। वो माँ जो हमारे ख्वाहिशों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी रहती थी, वो माँ जो हमारे ख्वाहिशों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी रहती थी, अब उसकी किसी भी बात पर तुम तो चुप ही रहो कहने में कुछ शक्ति नहीं। वो बाबा जिन्होंने चलना सिखाया गिरने पर हौसला बढ़ाया, अब उनका सलाह व मशवरा हमें आजाद कर्म को कतरना सा लगता है। वो उनका अपनी ख्वाहिशों की खुदकुशी करके हमारी जरूरतों की नींव रखना हमें आम बात लगती है, और हम एक सांस में कह देते हैं कि आपने कोई एहसान तो नहीं किया। सारी बातें अब उनके उस यादों को नोच कर फेंक देने को मजबूर करती होगी जो मुद्दतों से उन्होंने संभाल कर रखी। अब बिना मतलब के मीम्स में टैग करना वक्त की बर्बादी नहीं लगता, और बिना किसी स्टेटस के स्टेटस बदलते रहना समझदारी लगती है। अब उखाड़ कर फेंक भी दो ये खुदगर्जी का जो शामियाना लगा रखा है, अब इनमें माँ की मोहब्बत की और दुआओं की खुशबू नहीं मिलती, और न मिलता है वो जायका रिश्तेदारों के घर से।